नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल गुरुकुल पे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सीरीज में, और क्वेश्चन करते हैं आगे, इसमें करेंगे वीसी साइकिल पे क्वेश्चन करेंगे, वीसी साइकिल पे बेस्ड क्वेश्चन। देखो, वीसी साइकिल पे क्वेश्चन करने से पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस जो है वो अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो थर्मोडायनेमिक्स के जो लेक्चर डाले हुए हैं हमारे चैनल पे यूट्यूब पे मैकेनिकल गुरुकुल पे ही, उसमें 33 से लेके 38 तक, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे लेक्चर नंबर 33 से लेके 38 तक, ये आप कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और वीसी साइकिल पे जो करवाए हैं आरएसी की जो लेक्चर डाले हुए हैं, चार लेक्चर, वो आप कर लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चार लेक्चर जो आरएसी के है वो वाले, ठीक है। उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व होंगे, अगर वो नहीं करोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। पहले ये कर लो अच्छे से, उसके बाद आप क्वेश्चन करना, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। वेपर कंप्रेशन साइकिल दिया हुआ, वीसी साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल है। स्पेसिफिक इंथाल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट इन किलो जूल पर केजी में दी हुई है। एट द फॉलोइंग स्टेट इज गिवन एज इनलेट ऑफ कंडेंसर पे 283 किलो जूल पर केजी है, एग्जिट ऑफ कंडेंसर पे ये है, और एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर पे ये है, और ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। आपको सीओपी फाइंड करनी है। तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम वीसी साइकिल का डायग्राम बना लेंगे टीएस डायग्राम पे। ज्यादातर क्वेश्चन में टीएस डायग्राम वाला ही हमारा यूज होगा, ठीक है। टीएस डायग्राम पे हमने जो साइकिल बनाया था वो इस टाइप से था, वन टू थ्री फोर, ठीक है। ये साइकिल हो गया, जो 1-2-2 प्रोसेस होती है, 1-2-2 वो कंप्रेसर में होती है, और 2-3 कंडेंसर में होती है, ये याद रखना है। 4-1 जो प्रोसेस है वो इवेपोरेटर में होती है, और 3-4 जो है वो थ्रोटलिंग में। तो वीसी साइकिल का बेसिक याद रहेगा तभी आपको पता रहेगा कि ये कौन सी प्रोसेस है। देखो, इनलेट ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर की प्रोसेस कौन सी है, 2-3। इनलेट ऑफ कंडेंसर का मतलब यहां पर इनलेट हो रहा है, कंडेंसर में इनलेट कहां हो रहा है, 2 पॉइंट पे। तो यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, H2 कितनी दे रखी है, 283 किलो जूल पर केजी। ओके, उसके बाद लिखा हुआ एग्जिट ऑफ कंडेंसर, 2-3 प्रोसेस कंडेंसर में होती है, तो एग्जिट कहां पे हो रहा है, 3 पे। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी देर, कौन सी दे रखी है, H3 की वैल्यू दे रखी है, 116 किलो जूल पर केजी। ओके, फिर है एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर, इवेपोरेटर में प्रेशर प्रोसेस जो होती है वो 4-1 होती है। एग्जिट कहां पर होगा, 1 पे एग्जिट होगा, 4 पे इनलेट और 1 पे एग्जिट। तो एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर मतलब H1 की वैल्यू दी हुई है, H1 की वैल्यू कितनी है, 232 किलो जूल पर केजी। सीओपी सिंपली क्या होगा, RE डिवाइड बाय वर्क इनपुट। देखो, आर ई जो होता है वो यहां से होता है, स्टोरेज स्पेस यहां से लेता है, ठीक है, रिजेक्ट यहां पे होती है, और वर्क डन जो होता है वो 1-2-2 होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में। तो आर ई की वैल्यू, आर ई यहां से हो रहा है, ये आर ई है आपकी जो ये ले रहा है, तो यानी कि 4-1, तो इसको लिख सकते हैं हम H1 - H4, क्योंकि 1 की एंथैल्पी ज्यादा होगी, 4 की कम होगी, तो H1 - H4, और वर्क जो होगा वो होगा H2 - H1, ठीक है। तो H1 और हमें पता है साइकिल से, तो H4 इक्वल टू H3 होता है, क्योंकि 3-4 जो होती है वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है। तो सीओपी का दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया ये फॉर्मूला, H1 - H3 डिवाइड बाय H2 - H1, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, H1 की वैल्यू 232 माइनस H3 की वैल्यू 116 डिवाइड बाय यहां पर H2 की वैल्यू ये दे हुई है 283 माइनस 232, ठीक है, ये डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, और ये आपके पास ठीक है, तो ये सीओपी की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 2.27, यहां से जो सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.27। तो देखो, ए ऑप्शन ही है 2.27, इजी क्वेश्चन है,
लेकिन आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कंप्रेसर है, कहाँ पे कंडेंसर है, कहाँ पे इवेपोरेटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। एन आइस मेकिंग प्लांट यूजिंग R12 हैज एन इवेपोरेटर सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ -20°C। इवेपोरेटर का सेचुरेशन टेम्परेचर -20 है, कंडेंसर का सेचुरेशन टेम्परेचर 30°C। इस टाइप का जहां पर टेबल वेबल भी दी होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बना लेना है। इसका TS डायग्राम बना लेंगे हम। TS डायग्राम, ठीक है। दो टेम्परेचर दे दिए और उसने कहा है कि वेपर इज लिविंग कंप्रेसर, कंप्रेसर से बाहर जो वेपर निकल रही है वो 50°C पर निकल रही है। फॉलोइंग टेबल दे रखी है और क्या दे रखा है, इंथाल्पी ऑफ सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट जो बाहर निकल रहा है वो आपका, उसकी इंथाल्पी ये दी हुई है वैल्यू, COP और कैपेसिटी निकालनी है और ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिंपली डायग्राम बना लेंगे। कौन सा डायग्राम? TS डायग्राम। तो इस क्वेश्चन में TS डायग्राम जो बनेगा वो ये बनेगा। सिंपल जैसे हम बनाते हैं, ये TS डायग्राम हो गया आपका, ठीक है। ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। अब देखो एनालाइज करना है, एनालिसिस बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, वो अगर हम कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो सेचुरेशन टेम्परेचर किसका दिया हुआ है, इवेपोरेटर का। इवेपोरेटर प्रोसेस कौन सी होती है, 4-1, ठीक है। 4-1 प्रोसेस जो इवेपोरेटर में होती है, तो सेचुरेशन मतलब यहां पर है सेचुरेशन टेम्परेचर। एक्चुअल में ये वो जो टेम्परेचर दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, -20°C, ठीक है। ये वाला टेम्परेचर हमें पता चल गया। उसके बाद कह रहा है कि कंडेंसर का सेचुरेशन टेम्परेचर, ये भी सेचुरेशन पॉइंट है, ये भी सेचुरेशन पॉइंट है, तो कंडेंसर का जो सेचुरेशन टेम्परेचर है ये दिया हुआ है 30°C, ठीक है। और दिया हुआ है वेपर लिविंग कंप्रेसर, कंप्रेसर में प्रोसेस कौन सी हो रही है, 1-2 पे लीव कर रहा है, तो ये कह रहा है कि वेपर लिविंग कंप्रेसर एट 50°C। यहां पर जो दिया हुआ है प्रेशर वो कितना दिया हुआ है, 50°C। तीन टेम्परेचर हमें पता चल गए, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर ये जो 4-1 प्रोसेस है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, यानी कि इस प्रोसेस के लिए प्रेशर की वैल्यू देखो -20°C पे कितना हुआ है, 120 kPa प्रेशर दिया हुआ है। और जो ये प्रोसेस है 2-3 ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, 2-3 प्रोसेस, 2-3 के लिए 30° पे कितना दिया हुआ है, 850 kPa ये प्रेशर दिया हुआ है। एक्चुअल में 2-3 प्रोसेस पूरी की पूरी प्रोसेस पे ही 850, यानी कि ये वाला प्रेशर भी कितना होगा, 850 kPa होगा। ये पूरी की पूरी लाइन 2-3 कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पे जाओ। 2-3 पूरी की पूरी एक ही लाइन है, एक ही प्रोसेस है, जिसका जो किस प्रेशर पे है आपकी, 850 kPa पे है, ठीक है। तो ये 850 kPa आ गया। अब और एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस कहाँ पे जाएंगे हम, देखो और एनालिसिस के लिए अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ये तो हमें टेम्परेचर्स पता लग गए, टेम्परेचर पता लग गया हमें। उसके बाद देखो डायरेक्टली COP का फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, VC साइकिल में कौन सा फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर का यूज करके नहीं कर सकते, क्योंकि ये इरिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए दूसरा तरीका, फिर हीट नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, इंथाल्पीज का यूज करेंगे। अब देखो उसने कहा है ये फॉलोइंग टेबल दी हुई है, एक और वैल्यू दी हुई है उसने, एंथाल्पी ऑफ सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट एट 850 kPa, ये पूरी लाइन पे 850 है, एंड 50°C, 50°C कहां पर है, इस ये जो लाइन है 2-3 50 वाली लाइन को कहां कट कर रही, यहां पर, यानी कि इसने H2 की वैल्यू दे दी डायरेक्टली। H2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 225.5 kJ/kg,
फिर से देख लो, एंथाल्पी ऑफ सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट, ये सुपरहीटेड स्टेट है, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस का बहुत ज्यादा यूज होगा यहां पे हर जगह पे। तो सुपरहीटेड स्टेट, इस जो ये लाइन है इससे इधर है जो सुपरहीटेड स्टेट है, तो सुपरहीटेड स्टेट में ये वाला जो पॉइंट है यहां पर दी हुई है आपकी एंथाल्पी सुपरहीटेड स्टेट में 850 किलो पास्कल पे और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये 850 किलो पास्कल लाइन है और ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर है, तो टू पॉइंट है डायरेक्टली। ये वाली वैल्यू क्या दी हुई है आपको, डायरेक्टली H2 की वैल्यू दी हुई है। ओके, एक चीज समझ में आ गई, हमारे पास H2 की वैल्यू दी हुई है, और क्या क्या चाहिए हमें या क्या गिवन है, ठीक है। ये H2 की वैल्यू आ गई। अब यहां से देखो, वन पॉइंट है, वन पॉइंट की ओर H1 की वैल्यू जो होगी एक्चुअल में, H1 की वैल्यू, अब फिर से मैं फिर से आपको बताता हूं कि ये जो PS डायग्राम पे ये जो दो लाइन होती है, यहां से ये अलग अलग लाइन है, ये लाइन, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होते हैं वो G होते हैं और इस लाइन पे F होते हैं, ठीक है। तो H1 जो है एक्चुअल में -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये वन वैल्यू, और G पॉइंट पे, यानी कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे HG की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास H1 की वैल्यू। H1 की वैल्यू क्या होगी, HG इस लाइन पे G हो गया, और किस टेम्परेचर पे है ये, एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे देख लो, और ये HG तो कितनी आई, 176.5 किलो जूल पर केजी। ये वैल्यूज निकालनी बहुत जरूरी है, अगर ये वैल्यू निकालने आपको आगे टेबल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इजी होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं। ईएस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आता है, अगर आपके आपने अच्छे से कर लिए तो ये क्वेश्चन आपके इतने फेवरेट हो जाएंगे, सबसे पहले जाके आप ये आरएसी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ईएस में भी सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो यहां से मैं फिर से बता देता हूं, देखो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पूरी लाइन HG, अब HG तो हर एक जगह पे है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, लेकिन ये पॉइंट है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो HG की वैल्यू -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होगी वो क्या होगी, H1 होगा। और यहां से क्या निकाल सकते हैं, देखो ये पॉइंट तो हम यूज में है ही नहीं, ये वाला H3 कौन सी लाइन पे है, F लाइन पे, क्या होगा HF एट, और कितने टेम्परेचर पे, देखो टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। HF की जो वैल्यू इस लाइन पे क्या है, पूरी HF है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वैल्यू होगी वो यहां देगा, H3 की वैल्यू देगा। H3 क्या होगा, HF एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी आपके पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलते हैं, और HF ये रहा, ये हो रही, यानी कि 69.6 किलो जूल पर केजी। ये हमारा, जब ये वैल्यूज अगर निकाल ली तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, अब आगे करते हैं। फिर से बता देता हूं मैं एक बार, बहुत इजी है, बस आपको एक बार अच्छे से देखना है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये लाइन पूरी क्या है, जी, तो HG की वैल्यू -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होगी वो क्या होगी आपकी वैल्यू, H1 होगा। वन पॉइंट कहां पर है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जी वाली कर्व पे, दोनों कर्व जहां पे आपस में मीट कर रही है वहां पर वन पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से H1 की वैल्यू निकाल ली। थ्री पॉइंट जो है वो कहां पर है, F कर्व पे, ये कर्व यहां तक, इस पॉइंट तक F कर्व है, और F कर्व को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लाइन मीट कर रही है वो थ्री पॉइंट है। तो यानी कि HF एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या वैल्यू देगा, H3 की वैल्यू देगा, ठीक है। अब इतना आ गया समझ में, उसके बाद क्या निकालना है हमें, COP निकालनी है। अच्छा, क्वेश्चन में और कुछ भी दिया हुआ है, अच्छा सबसे पहले यही निकाल लेते हैं डायरेक्टली कि COP की वैल्यू, COP का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास H1 - H4 डिवाइड बाय H2 - H1, या फिर H1 - H3 भी लिख लेते हैं इसको। H3 इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि H4 और H3 इक्वल होते हैं, 3 to 4 जो होती है आइसेंथाल्पिक प्रोसेस होती है,
बस डायरेक्टली वैल्यू पुट करने हैं, सारी वैल्यू आ गई आपके पास। एच वन मतलब 176.5, एच थ्री की वैल्यू 69.6 डिवाइड बाय एच टू की वैल्यू 225.5 माइनस एच वन की वैल्यू 176.5। इसको सोल्व करेंगे तो 2.18 आएगा, आपका आंसर आ गया। ये फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है, पहला आंसर, यानी कि सीओपी जो हमें निकालनी थी वो हमें पता चल गई, सीओपी की वैल्यू कितनी आई 2.18। ये हमारा सोल्व हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद पूछ रहा है कि इफ कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 5 किलोवाट, कैपेसिटी का मतलब आरसी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी दे रखी है 5 किलोवाट, कैलकुलेट मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड पावर कंजप्शन। मास फ्लो रेट निकालनी है और पावर कंजप्शन निकालनी है किलोवाट में, ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में फिर से दिखा देता हूं आपको। ये कह रहा है कि सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, क्या कैलकुलेट करना है, इफ कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज 5 किलोवाट कैलकुलेट मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड पावर कंजप्शन इन किलोवाट, ये हमें निकालनी है वैल्यू, ठीक है। तो आरसी की वैल्यू 5 किलोवाट दी हुई है। अब आरसी की वैल्यू से अब हमें पता है कि यहां से हम मास फ्लो रेट निकालेंगे, सिंपली पहले पी इन पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एम डॉट इंटू एच टू माइनस एच वन, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको अब वीसी साइकिल में पढ़ाया था, पावर का फॉर्मूला एम डॉट इंटू एच टू माइनस एच वन, बट एम डॉट नहीं है तो एम डॉट तो पहले निकालना ही पड़ेगा। तो एम डॉट के लिए हम क्या लिखेंगे, आरसी इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, आरसी इक्वल टू एम डॉट एच वन माइनस एच थ्री, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आरसी की वैल्यू क्या आएगी, एम डॉट इंटू एच वन माइनस एच थ्री, तो आरसी की जगह क्या पुट करेंगे, 5 इक्वल टू एम डॉट एच वन भी है एच थ्री भी है, एच वन है 176.5 माइनस में एच थ्री, एच थ्री कितनी है 69.6। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास एम डॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0467 किलो जूल पर सेकंड, सॉरी केजी पर सेकंड, किलो जूल नहीं केजी आएगा, किलोग्राम पर सेकंड। तो ये एम डॉट की वैल्यू आ गई। तो एक ये भी आंसर आ गया आपके पास, मास फ्लो रेट भी निकालनी थी हमें, एक ये आंसर आ गया। अब पी इनपुट में डायरेक्टली पुट कर देंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। एम डॉट की वैल्यू 0.0467 इंटू एच टू की वैल्यू 225.5 माइनस एच वन की वैल्यू 176.5। ये वैल्यू पुट करेंगे तो पी इनपुट की वैल्यू आएगी 2.29 किलो वाट, ईजी है, ठीक है। ये वैल्यू पुट करने के बाद पावर इनपुट की वैल्यू 2.29 किलो वाट आएगी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कॉमन डाटा क्वेश्चन, कॉमन डाटा क्वेश्चन में आते हैं, जैसे दो दो नंबर के गेट में, तो एक ही क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, गेट में 4 नंबर बहुत 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 ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर 4 नंबर आपको, अगर ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 4 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपने सही ढंग से करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो कोई नहीं रोक सकता कि आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी सोल्व करेंगे, अभी के लिए, आज के लिए इस अभी के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तक आप पहले कर लो, यहाँ तक समझ लो, स्टेप बाय स्टेप करना है, ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्टली पीछे चले गए, लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने चले गए। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने सिलेक्ट किए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके कंसेप्ट बिल्ट होते रहेंगे, एक के बाद एक। ये नहीं है कि डायरेक्टली आपने क्वेश्चन कर दिया, डायरेक्टली आपने क्वेश्चन पे पहुंच गए लास्ट पे, तो वो सोल्व नहीं होगा आपसे। पहले एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, और ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन हम इस टाइप से करेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया कुछ भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, आप अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।